अभी तक आप घूम रहे थे नैनीताल की वादियों में, और अब हमारा टाइम हो गया है घर जाने का, क्योंकि मम्मी पापा लोग का फोन भी आ रहा है कि कब के पहुँचे, घर के पहुँचे। हम लोग कल से लखनऊ से निकले हुए हैं, अभी तक घर नहीं पहुँचे। सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि व्लॉग्स। तो पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखा नैनीताल के कुछ पॉइंट्स, घूमने वाले, नैनीताल का रास्ता कैसा है, और नैनीताल के होटल और नैनीताल का खाना वगैरह सब कुछ मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया। तो फिलहाल अभी हम लोग नैनीताल में हैं, और नैनीताल से हमारा आज का टूर है। नैनीताल से हम लोग जा रहे हैं द्वाराहाट। अभी नैनीताल में से द्वाराहाट की जो दूरी है ना, वो करीब आपके 100 या 150 किलोमीटर होगी यहाँ से उसकी डिस्टेंस। तो फिलहाल हमारा प्लान है द्वाराहाट जाने का। तो बीच में हम लोग कवर करेंगे नैनीताल से लेके द्वाराहाट तक जितने टूरिस्ट प्लेस पड़ेंगे, जैसे रानीखेत है, मतलब उसके कुछ सीन शॉट दिखाऊंगा, और बीच में रानीखेत तक जाते जाते जैसे कैची धाम मंदिर है वो भी हमको रास्ते मिलेगा, फ्रॉग स्टोन है वो भी हमको रास्ते मिलेगा। तो वो सब मैं आपको दिखाते हुए ले चलूँगा इस रास्ते। ये ब्लॉग ज़्यादा छोटा बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, तो पूरा देखना तो आपको समझ में आ जाएगा कि द्वाराहाट तक, नैनीताल से द्वाराहाट तक अगर आपको घूमना है तो आपको कौन कौन से प्लेस में घूमना है। तो कल था हमने आपको नैनीताल की माल रोड दिखाई थी पैदल पैदल, अभी हम दिखा रहे हैं गाड़ी में। नीचे वाली है लोअर माल रोड, ये है अपर माल रोड। वन वे ट्रैफिक है नीचे से, अगर आप उस साइड से आएंगे अपनी प्राइवेट गाड़ी लेके, अगर आपकी इस डिस्ट्रिक्ट की गाड़ी नहीं होगी तो आपको 110 रुपये टोल टैक्स देना पड़ेगा इस रोड पर डालने के लिए। इतना बच्चे ऐसे खेलते हैं, और साइकिल वगैरह भी घूमती है यहाँ से। देखिए लेक भी बहुत ज़बरदस्त है। अब बोटिंग स्टार्ट हो गई है। हम लोगों ने सबसे पहले बोटिंग हमारी हमने ही की था उस टाइम पे, उस टाइम पे कोई नहीं था। अब बोटिंग स्टार्ट हो गई है, तो यहीं से अब जू भी स्टार्ट हो जाएगा, ऊपर गवर्नर हाउस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में आया था, गवर्नर हाउस, नैनीताल जू, यहाँ बोटिंग, नैना देवी मंदिर, नैना पीक, स्नो व्यू, और आपका टिफिन टॉप, और कैमल बैग, और हनुमानगढ़ी, ये मतलब, और एक रोप वे से आप जा सकते हैं, वो भी स्नो व्यू आप जाएंगे, जहाँ से मतलब थोड़ा बहुत त्रिशूल पर्वत दिखाई देता है, मतलब दूर हिमालय दिखाई देता है। तो ये मतलब आपके यहाँ के स्पॉटेड हैं नैनीताल, सिर्फ नैनीताल के अंदर, और बाकी इसके बाद में आप लोकल में घूम सकते हैं भवाली में, एक आपका मंदिर है घोड़ाखाल मंदिर, और साथ में आप सात ताल घूम सकते हैं, नोकिया ताल घूम सकते हैं, भीमताल लेक घूम सकते हैं, और नैनीताल के पीछे साइड में आप खुरपा ताल ले सकते हैं ऊपर से, और सरिया लेक वाला वाटरफॉल देख सकते हैं, पीछे आप रामनगर कार्बेट देख सकते हैं। तो बहुत सारे स्पॉट हैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। अगर आपको और एडवेंचर करना है तो आप जा सकते हैं मुक्तेश्वर, वो भी एक अच्छा हिल स्टेशन है, और अगर आपको और ज़्यादा कवर करना है, ज़्यादा टाइम है, तो आप रानीखेत भी, और शीतलाखेत, अल्मोड़ा, जागेश्वर वगैरह भी कवर कर सकते हैं नैनीताल के साथ, अगर आपका एक हफ्ते का टूर है। तो लोग पहुँच गए हैं भवाली। तो भवाली को बोलते हैं द हार्ट ऑफ नैनीताल, मतलब नैनीताल का हृदय भवाली है, बीचों बीच है, और इसके चारों ओर सारे टूरिस्ट प्लेस हैं। एक साइड को कैची मंदिर पड़ जाएगा आपका, एक साइड को आपका मुक्तेश्वर पड़ जाएगा, एक साइड नैनीताल, एक साइड सात ताल, एक साइड इसके नकुचा ताल और भीमताल। तो मतलब इसको बोलते हैं द हार्ट ऑफ नैनीताल भवाली। तो बहुत बहुत छोटा सा टाउन है, और काफ़ी ठंडा होता है मौसम, क्योंकि यहाँ धूप ही नहीं आती है, और बहुत घना जंगल है इसका। तो ये कुछ जंगल यहाँ का है, नीचे मार्केट में काफ़ी ट्रैफिक रहता है, तो उसमें क्या दिखाना, लेकिन यह है कि ऊपर वाला हिस्सा आप देख लो, यहाँ पर आप घोड़ाखाल मंदिर जा सकते हो, यहाँ पर सैनिक स्कूल भी एक जो इंडिया में काफ़ी फेमस है। तो आप भवाली में, मतलब भवाली में रह के चारों ओर विजिट कर सकते हो, होटल भवाली में ले लो, एक दिन नैनीताल आ जाओ, उस दिन पूरा घूम लो, क्योंकि भवाली में आपको होटल थोड़ा और जगह से सस्ता मिलेगा, मतलब और शहर की अपेक्षा आपको जो है, आप भीमताल में लोगे या सात ताल में लोगे या नैनीताल में लोगे, वहाँ से सस्ता आपको यहाँ होटल मिलेगा। अगर आपका 4-5 दिन का टूर है ये पूरा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट घूमने का, तो भवाली आपका प्रिफर होना चाहिए, अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तब उसके लिए बहुत अच्छा है। इस रास्ते आपको ऐसे वाटरफॉल भी मिल जाएंगे, देखिए सामने वाटरफॉल दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ यहाँ पर देखिए लोग बेच रहे हैं अखरोट, तो यहाँ पहाड़ी अखरोट ही बिक रहे हैं। नैनीताल में हम लोगों ने पूछा था आपका, वो था 6 रुपये का एक, यानी 600 रुपये सैकड़ा बोल रहे थे, 100 अखरोट 600 रुपये के, और यहाँ पर शायद मेरे ख्याल से 400 रुपये तक या 500 रुपये तक आपको मिल जाएगा बार्गनिंग करने पर, क्योंकि नैनीताल थोड़ा महंगा शहर है, तो वहाँ तो महंगा मिलेगा यहाँ पे, लेकिन 400 रुपये सैकड़ा आपको, मतलब ये सबसे मतलब कम कीमत है, इसके बाद आपको मिल पाएगा। वहाँ अगर हमको हमारे पहाड़ पे अगर नहीं हुए होंगे तो हम लोग आते समय यहाँ से लेके जाएंगे अखरोट अपने, क्योंकि पहाड़ का अखरोट ना बहुत अच्छा होता है, सही शरीर के लिए। अखरोट की क्या बनावट, बिल्कुल ब्रेन की तरह होती है,
और उससे मतलब ब्रेन का विकास ज़्यादा होता था बोलते हैं लोग। तो इसी रास्ते पे आपको पड़ेगा कैची धाम। तो ये कैची धाम है बाबा नीम करौली का बहुत फेमस आश्रम, जहाँ मतलब लोग किस किस्मत बदल गई। मैं बहुत बार मतलब इस मंदिर में आया हूँ और बहुत पहले भी आपको दिखाया, क्योंकि मंदिर के अंदर की फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। बस इस पुल तक आप जितना लेके जा सकते हैं मोबाइल अपना, उतना आप लेके जा सकते हैं। ये बोलते हैं किस्मत बदलने वाला मंदिर है कैची धाम। यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, देखो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। बाबा के भक्त बहुत दूर दूर के, अंग्रेज़ तो मतलब बाबा के इतने बड़े भक्त हैं, जैसे आपके स्टीव जॉब्स थे, एप्पल वाले, मार्क जुकरबर्ग हो गए, तो मतलब ये फेमस हस्तियाँ होगी। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। लोग नैनीताल घूमने भी तक नहीं आते, लेकिन दर्शन करने जरूर आते हैं। जब पिछले बार निहारी कावर में आए थे ना, तब भी ये रोड की स्थिति वही थी और आज भी हुई है। मतलब सोचिए आज और ज़्यादा लग रहा है। हाँ, मतलब एक साल हो गया हमको दिवाली में आए हुए, तब से आज तक इस रोड पे कुछ काम नहीं हुआ। या तो गवर्नमेंट कुछ और प्लान कर रही है कि इसको कहीं और से डाइवर्ट किया जाए, लेकिन अभी तक इस रोड में कुछ भी काम नहीं यहाँ पे हुआ है। नीचे आप जो देख रहे हैं ना, ये नीचे जो ब्रिज है जो मैं आपको बोल रहा था, ब्रिज है जो नीचे जो मैं आपको बोला था, उसके उसी के नीचे वो है आपके फ्रॉग वाला स्टोन है, उसको आके लोग फोटो खींचते हैं। कैंप साइड भी है, तो आप वहाँ पर भी, एक आपका टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लोगों का लोग आते जाते रहते हैं। इस एरिया का नाम है गर्म पानी। यहाँ जालों के टाइम में एक सोर्स से आता है गर्म पानी, मतलब गर्म क्या गुनगुना पानी आता है, तो इसलिए इसका नाम गर्म पानी है। तो थोड़ा सा आगे खैरना है, उसके बाद खैरना से जाता है एक रोड से जाती है अल्मोड़ा की ओर को, एक जाती है रानीखेत की ओर को। तो थोड़ा ऐसा मतलब वहाँ पर, तो हमने खैरना क्रॉस कर लिया। यहाँ पर लग गया था जाम, क्योंकि मार्केट में थोड़ी दिवाली की चहल पहल है। आज धनतेरस तो कल था, आधा धनतेरस आज है। एक पुल ये नया बन रहा है, एक पुल वो पुराना है। तो ये रोड चलेगी पिथौरागढ़ अल्मोड़ा की ओर को, अगर आपका प्लान है तो ऐसे पिथौरागढ़ अल्मोड़ा जा सकते हो, वरना ये यहाँ से सीधे रानीखेत की ओर पर चलेगी। रास्ता नीचे है खैरना नदी, नीचे कोसी नदी है, मतलब खैरना में कोसी नदी बह रही है। ब्रिज काफ़ी खूबसूरत है, बहुत पुराना है, अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ। थोड़ी रोड की कंडीशन अभी यहाँ आजकल सही नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम सभी जगह चालू है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं रानीखेत। तो रानीखेत क्या है कि कुमाऊं रेजिमेंट का सेंटर है, और पूरी कुमाऊं रेजिमेंट के जितने लोग भी होते हैं आर्मी में, उन सबकी जो ट्रेनिंग होती है वो सब कुछ रानीखेत में होती है। इसे पूरा कैंट एरिया है, इसलिए काफ़ी साफ है, मतलब नीट एंड क्लीन शहर है रानीखेत, और घूमने के लिए भी काफ़ी अच्छा है। घूमने के लिए यहाँ जो प्लेस हैं वो है आपका सोनी मिंसर, चौबटिया गार्डन, और आपका झूला देवी टेम्पल, खेड़ा खान बाबा टेम्पल, गोल्फ ग्राउंड, और एक यहाँ पे झील है, रानी झील है। बाकी यहाँ की जो मालोड हो गई आप वहाँ घूम सकते हैं, वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। होटल्स की रानीखेत में कोई कमी नहीं है, होटल्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं और सस्ते भी हैं और अच्छे भी हैं। और आपको यहाँ से जो हिमालय का व्यू मिलेगा ना, वो मिलेगा बहुत जबरदस्त। अभी मैं आपको हिमालय का व्यू दिखाने वाला हूँ। अभी हम लोग कैंट एरिया में चल रहे हैं, बहुत साफ़ है, और यहाँ पर ग्राउंड्स बहुत सारे हैं, जैसे नरसिंह ग्राउंड है, सोमनाथ ग्राउंड है, और लोकेलिटी काफ़ी अच्छी है रानीखेत में। मतलब आपको एक बहुत एक शांति वाला वातावरण बिताना है, जो मतलब नैनीताल और रानीखेत में जो डिफरेंस है वो है कि यहाँ पर शांति वाला वातावरण बहुत अच्छा है। और अगर तो वो जो स्पॉट देख रहे हैं वो हेड़ा खान मंदिर है। आप मैं आपको बोला था हिमालय रेंज, तो हिमालय रेंज आप देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी हिमालय रेंज है। देखिए सामने त्रिशूल पर्वत है, नंदा गुंडी पर्वत है, चौपंगा पीक है, उधर नंदा देवी है, पंचाचूली मतलब पर्वत तक यहाँ से दिखाई देता है अगर सही स्पॉट हो जाए, अगर हम लोग चौबटिया गार्डन से गए तो। ये यहाँ का नज़ारा है, देखिए हिमालय रेंज का, कि हिमालय कितना तगड़ा दिखाई देता है रानीखेत से।
इसलिए ये काफी फेमस है। नैनीताल से आप देखोगे ना आपको बहुत दो तीन चोटी दिखाई देंगे, लेकिन रानीगंज जब आप आओगे तो आपको बहुत बड़ी रेंज दिखाई देगी हिमालय की। तो निहारिका, रानीगंज से हिमालय रेंज कैसी लगी? बहुत बहुत अच्छी। तो निहारिका ने पिछले इस बार देखी, पिछले बार बहुत कम थी, पिछले बार बर्फ गिरी थी, इस बार बर्फ पहले से गिरना स्टार्ट हो गया केदारनाथ में और बदरीनाथ बर्फबारी बहुत ज्यादा हो गई है, तो ये सब उसी के पीछे है सारे पर्वत। तो बर्फबारी मतलब बहुत ज्यादा होने के इस बार हिमालय रेंज बड़ी अच्छी दिखाई देगी। तो अगर आपको यहाँ का मतलब जो लोकल टूर है ना वो अगर आपको लेना है तो आप कमेंट कर लीजिएगा, तो मैं आपके लिए अरेंज करा दूंगा लोकल टूर रानीखेत का। साथ साथ में अगर आपको उसका व्लॉग लिखना है तो व्लॉग का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि मैं एक बार ये सब कुछ पहले कवर कर चुका हूँ जितना आपका डेस्टिनेशन है रानीखेत में घूमने का। रानीखेत काफ़ी अच्छा है और आपको मज़ा आएगा रानीखेत घूमने में, बहुत शांत है, क्योंकि मेरा बचपन पूरा रानीखेत में बीता हुआ है, तो मेरे को थोड़ा कुछ खास लगा हुआ रानीखेत। घर तो हमारा खैर द्वाराहाट है, यहाँ से थोड़ा और ज़्यादा आगे, लेकिन जो मतलब एक लगाव रह गया ना रानीखेत से वो हमेशा ज़िंदगी भर का रहता। जब भी अभी तो दोस्त दोस्त रहते नहीं, तो वरना मैं आपको अपने दोस्तों से ही मिला था बचपन के। अभी क्या है, सब लोग नौकरी वाले हो गए, सबकी शादी आदि होगी, तो फिर आपको मालूम है कि हिसाब किताब क्या होता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट दिखाएंगे आपको सोमनाथ ग्राउंड पड़ता है, बीच में भी सोमनाथ ग्राउंड दिखाता हूँ। तो ये है रानीखेत का सोमनाथ ग्राउंड, मतलब जहाँ हमारे देश के वीर सपूत मतलब दौड़ लगा के आते हैं और यहाँ भर्ती हुए आते हैं आर्मी में, और उसके बाद देश की सेवा के लिए यहीं ट्रेनिंग लेते हैं। तो ये पूरा है कैंट एरिया, मतलब रानीखेत, मतलब रानीखेत माउंट रेजिमेंट जो अपनी शहादत के लिए जानी जाती है। सबसे ज़्यादा शहीद कारगिल वॉर पर जितने हुए थे सब रानीखेत कुमाऊँ रेजिमेंट के ही लोग थे, और सबके सब मतलब पहाड़ के लोग थे। उसका सेकेंड नंबर गढ़वाल रेजिमेंट वाले थे, बहुत सारे हुए उसमें। तो मतलब जो भारतीय सेना में पहाड़ वालों की स्थिति है ना वो बहुत अलग है एकदम से। रानीखेत का फेमस गोल्फ ग्राउंड, तो मैंने आपको साइड डेस्टिनेशन दिखा नहीं पाया, तो ये वाली डेस्टिनेशन आप देख लो गोल्फ ग्राउंड का, ये ऑन द वे मेरे घर के रास्ते पर पड़ता है। इसके अंदर पहले लोग जाते थे खेलते थे, शायद अभी लोगों के लिए बना मतलब अंदर जाना मना हो गया, इसे पूरा बंद कर दिया गया, खाली आप बाहर से देख लो, इसमें भी इतना ही रह गया। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. तो हम लोग पहुंच चुके हैं द्वाराहाट, ये द्वाराहाट का इंजीनियरिंग कॉलेज सामने। तो द्वाराहाट क्या है, अपने इंजीनियरिंग कॉलेज की वजह से और एक माँ दुर्गागिरी का मंदिर है, ऊपर एक पांड खोली है, और ये है एक ऐतिहासिक नगर जहाँ पे हैं 352 मंदिर, 352 नौले। तो हम फिलहाल द्वाराहाट पहुँच चुके हैं, अभी दिखाता हूँ आपको अपने गांव का रास्ता, साथ साथ में थोड़ा थोड़ा मार्केट दिखाऊंगा। द्वाराहाट के नैनीताल से निकले 10:30 बजे और यहाँ पहुँचे हम लोग 1:30 बजे। 1:30 बजे मतलब अभी 8-10 मिनट और बचे हैं, 10 मिनट का हमने बीच में रेस्ट लिया, तो यानी कि 3 घंटे में मतलब आदमी यहाँ से आराम से पहुँच जाएगा नैनीताल से द्वाराहाट। पूरे चारों ओर मंदिर मंदिर है जहाँ पर हम भी चल रहे हैं हम लोग, ये रानीखेत रोड है और उसमें ही वो मंदिर है सारे। अरे घर जाके एक और सरप्राइज है, लेकिन मैं अभी तो नहीं बताऊँगा, लेकिन कल को बताऊँगा, कल नेक्स्ट वाले ब्लॉग में कि क्या सरप्राइज है ना। अब इससे आगे मैं ब्लॉगिंग बनाऊँगा, तो गाड़ी चलाई गाड़ी खड़ी करी पार्किंग में, और अब निहारिका के बस की बात तो है नहीं, कुछ नए ब्लॉग बना पाएगी, क्योंकि इसके बाद एक वो सेब संतरे और केले ये फल वाला झोला है, और मेरे पास दो झोले हैं, एक पीठ पे है, कैमरा नहीं हो पाएगा होल्ड। तो मिलते हैं इससे घर पे, गांव का रास्ता ये है देखो, उससे ये पूरा गांव का रास्ता है, थोड़ा बहुत अगर निहार का रास्ते में वीडियो बना लेगी गांव के नौले वाले का ठीक है, वरना फिर हम बाद वाले ब्लॉग में दिखाएंगे। तो भाई घर पहुँच गया अपने, देखो ये नींबू का पेड़ है, ये मम्मी बैठी है, और ये हमारा घर पहाड़ का, इस साइड नया वाला उस साइड पुराना वाला। निहारिका कैसा रहा सफर पे? निहारिका के मजा आ रखे हैं, छोटा वाला झूला उठा के लाइए, देखो मेरे को इसने मेड बना दिया और मैं ऐसा झूला लेके आ रहा हूँ। तो गांव तो काफ़ी खूबसूरत है ही हमारा, मतलब खूबसूरती के साथ साथ अभी पूरी हरियाली भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सावन के महीने के बाद जो हरियाली आई थी उसका ऑटम फेस्टिवल चालू नहीं हुआ है, जब तक ये पेड़ के पत्ते गिरेंगे नहीं तब तक सर्दियों का मतलब माना जाता है सर्दी आ गई, लेकिन ठंडा हो ही रहा है काफ़ी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ, अब घूमेंगे पूरा गाँव, तब आएगा मज़ा, पूरे गांव की लाइफ दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग में स्टे ट्यून्ड ना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में,
आदि ब्लॉग के तब तक जय देवमी जय उत्तराखंड।